कभी तुमने मुझे ऐसा देखा है? कितना खुश रहता था मैं, लेकिन जब से तुमसे प्यार करने लगा हूं ऐसा लगता है कि मेरी सारी शादी शुरू हो गई है। मैं सोचता था कितने बेवकूफ होते हैं वो लोग जो प्यार की खातिर मोहब्बत की खातिर अपनी जान दे देते, लेकिन आज पता चला है कि वो ठीक ही करते हैं। इस पल पल के मरने से तो अच्छा है कि एक ही पल में मुक्ति। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं मर गया तो तुम विधवा हो जाओगी और मैं तुम्हें विधवा देख नहीं सकता। सच तो ये है, चाहता हूं तुमसे कि तुम मेरी दिल की बात सुनो। बस मैं ये चाहता हूं कि तुम खुश रहो और मुस्कुराती रहो। तुम समझ रही हो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? देखो, सारी दुनिया प्यार में पड़ी हुई है, सिर्फ एक मुझे हक नहीं है कि मैं किसी से प्यार कर सकूं, कोई मुझसे प्यार कर सके। क्यों? हम सब तुम्हें रानी की तरह रखेंगे, मैं, भैया, भाभी, बिनती, मेरे सब दोस्त, और ये जो लड़का तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए चुना है, मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छा लड़का नहीं है, बहुत अच्छा लड़का होगा। एक काम करो, तुम उसको भाई बना लो या उसे दोस्त बना लो, मैं तुम्हारे दोस्त को स्वीकार कर लेता हूं। मैं पंडित जी की बेटी को जिंदगी देना चाहता हूं और वो पंडित मेरी जिंदगी छीनना चाहता मुझसे। अरे अगर मैं पंडित नहीं हुआ तो मैं अछूत हो गया। क्या होगा तुम्हारा भविष्य उसके साथ? जब मैं सोचता हूं ना तुमको उसके साथ, तो मेरा दिमाग चकरा जाता है। सुन, ये सब सुनने के बाद तुम्हें इतना तो समझ में आया होगा ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, और उसके बाद भी इतना समझ में नहीं आया तो मैं तुम फिर एक काम करता हूं। चले जाए यहां से, मैं तुम्हें मार दूंगा। चले जाए मत, लेकिन फिर मैं भी जी की क्या करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जीना चाहता, एक पल। हां, मैं तुम्हें यहां जबरदस्ती उठा के ले गया हूं। हां, मैं तुम पर चीख रहा हूं, धमका रहा हूं तुम्हें, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ मेरे लिए बनाई गई हो, मेरे लिए बनाई गई हो। पूछो अपने भगवान से, पूछो, जिसमें मैं बहुत तकलीफ में हूं,
बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है मेरे भगवान। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। Biggest, latest Bollywood blockbuster only on Eros Now.